Just 1 second. Yeah, it's better now. It's nice. A little on your right side, that's it. Yeah, perfect. Yeah. Can you cross that one like this? Yeah, or maybe if you can, like, you know, just twist your knee a little bit inside. Yeah. Yeah. A little, okay, after. Okay. Maybe a pair of the normal right there, or they can just be a little like this. Maybe like look here, there, a little bit. Nice. Let's go for it now. It's coming good. Yeah.
maybe one half. Stay like that, stay like that. Yeah, just keep playing that. Yeah, just throw that. थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं ताकि ब्लड सब समझ सके। हमें तो ड्रॉप करना चाहिए। वन मोर दैट पोज अगेन वन मोर टाइम। सब थोड़ा सा बाहर आएंगे सब कुछ करना पड़ेगा। हल्का सा So firstly, Kanchi, you look so good. Thank in sari. You so much. I've seen, I guess this is the second or third change that you have done. Tell us something. Aaj ke photo shoot ke baare mein. Bahut different photo shoot raha hai. Absolutely different. All the looks are very different from each other. Ek Indo Western raha hai, ek sari raha hai. So I'm really loving it and yeah, it's gorgeous. What would you like to say about this beautiful sari? What would you like to say? What would I like to say? यार मैंने जैसे पहले किया बोला कि इंडियन जो भारतीय नारी है साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है एंड शी सेट द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर द सेम एंड चॉकलेट कलर दिया है एंड मेटलिक चॉकलेट कलर्स हैं एंड साड़ी के इनकी पर्सनैलिटी के साथ बहुत कॉम्प्लेक्स कर रही है एंड आई एम श्योर शी इज ऑल्सो लविंग द पहला लुक के बारे में अगर कुछ बताना चाहोगे वो भी अमेजिंग लुक था। पहला लुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। इट वॉज एन इंडो वेस्टर्न लुक एंड इसका जो ब्लाउज था वो हैंडवर्क बीड्स बनाए गए उस पर सो दैट वॉज ऑल्सो वेरी 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 ब्यूटीफुल एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। जितने भी लुक्स आई थिंक एक से बढ़कर एक है एंड आई एम लविंग इट। इससे पहले जो लुक था उसके बारे में क्या स्पेशल चीज़ें हैं उसके बारे में बताइए। यार आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो पेस्टल कलर का ट्रेंड है। अगर आजकल का हम ट्रेंड देखें तो आइवरी कलर का बहुत लोग हाईलाइट करते हैं तो कंसीडरिंग द सेम ट्रेंड हमने वो इंडो वेस्टर्न लुक को किया एंड इन्होंने बहुत क्या बोलते हैं ना बहुत शिद्दत से हमारी ड्रेस को निभाया। बहुत खूबसूरत लग रही थी एंड इन्होंने बहुत काफ़ी यू नो इंडो वेस्टर्न होते हैं कि इंडियन और वेस्टर्न का मिक्स और वैसा कुछ ही हमने दिखाने की कोशिश की। लाइट सटल मेकअप रखा न्यूड मेकअप के साथ एंड मूव्स कलर था तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अबाउट योर मेकअप I think the makeup is fabulous. Sakshi has done my makeup and she's I think fab. मैं पहली बार उनके साथ काम कर रही हूँ and definitely it's not the last time. बहुत ही प्यारा makeup किया गया है। Mohit was all the time there to see that you know everything is perfect or not. He was making sure कि थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए and I think बहुत ज्यादा मोहित की आदत है। I'm sure आप सबको पता होगा कि मोहित हर चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। So I think he's done his job that. इसके अलावा locations की बात करें the beautiful locations, would you like to say something about the location? यार लोकेशन की बात तो हम हमारे लोकेशन ओनर से करवाते हैं एंड वो बताएंगे आपको लोकेशन के बारे में। बहुत नॉन पर्सनैलिटी है एंड मैक जी आ जाइए और बताइए हमारी जनता जनार्दन को लोकेशन के बारे में। यस सर थोड़ा लोकेशन बता दिए। काफ़ी कमाल की लोकेशन है मैं देख रहा था। थैंक यू। ये लोकेशंस हम लोग एक्चुअली एक ऐप लेके आ रहे हैं। अगर आपको अपनी जगह शूटिंग के लिए देनी है तो आप www.bookrecky.com पर ओके वहाँ से रजिस्टर कर दीजिए। आपके घर में भी शूटिंग कराएंगे, आपके गाँव में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, सब जगह शूटिंग्स कराएंगे। बड़े अच्छे आर्टिस्ट आपके आएंगे, हो सकता है एंड यू माइट गेट टू मीट ऑल गुड एक्टर्स एंड वेरी क्रिएटिव पीपल। ओके कांची, इसके अलावा मूवी आ रही है, अगर कुछ बताना चाहोगे
पोस्टर इट्स बाहर आ रिलीजिंग ऑन चुका है। 29th ऑफ मार्च एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इट्स अ कोर्ट रूम ड्रामा एंड आई एम प्लेइंग द मेन विक्टिम इन दैट। इसमें तीन जी है, स्नेहा उलाल है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर योर कमबैक? काफी समय बाद, काफी टाइम बाद एक्चुअली। एंड मेरी वेब सीरीज भी आ रही है फॉर अतरंगी व्हिच इज कॉल्ड काला इश्क। सो आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दैट एज वेल। सो बहुत कुछ होने वाला है एंड या मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच मोहित। थैंक यू।